हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है भाई। जैसा कि हमने बताया था, सरकार भामाशाह कार्ड को बंद करके एक नई योजना लाने वाली है जिसका नाम होगा जन आधार कार्ड योजना। उसके लिए आज फिर से एक नई अपडेट निकल कर रही है, कब से लागू होगा, किस प्रकार बनेगा, किस प्रकार आप घर बैठे जन आधार कार्ड बनवा सकोगे, उसकी सारी जानकारी हम आपको स्टूडियो में देंगे। तो वीडियो अंत तक हमारे साथ पूरा देखना। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबाकर हमारे साथ जुड़ सकते हैं, साथ ही बेल आइकन जरूर दबा लेना ताकि मैं अन्य कोई भी नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचेगा आपके पास। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं। देखिए भाई, 1 अप्रैल से भामाशाह कार्ड जन आधार कार्ड से बदल जाएगा, जिसकी आधिकारिक लॉन्चिंग 18 दिसंबर को होगी। इसमें परिवार के यूनिक नंबर के अलावा हर सदस्य का अलग अलग आईडी नंबर भी होगा। भामाशाह में पूरे परिवार का एक ही नंबर होता था। फर्क यह होगा कि पहले 7 अंक का होता था, अब शब्दों के मिलान से नंबर बना था, अब सिर्फ ये अंक पर आधारित होगा। यानी कि भाई, वो पहले भामाशाह कार्ड का जो नंबर होता था वो शब्द मिलाकर होता था, जैसे WFD 3678 इस प्रकार से भामाशाह का नंबर होता था, लेकिन अब सिर्फ अंकों का ही जन आधार कार्ड नंबर होगा, जिस प्रकार से आधार कार्ड का होता है। बेटी की शादी होने के बाद भी उसकी पहचान उसी नंबर से हर सदस्य का 11 अंकों का एक अलग नंबर जारी किया जाएगा। उस सदस्य के लिए जीवन भर यह यूनिक आईडी रहेगी। यानी कि बेटे की शादी होने के बाद भी उसकी पहचान उसी नंबर से रहेगी। यह नंबर दूसरे परिवार के कार्ड के साथ जुड़ जाएगा और जन आधार कार्ड के 18 दिसंबर को लॉन्चिंग के बाद नया नंबर मिल जाएगा। यह ETDS भरने, साथ ही स्वास्थ्य बीमा का लाभ लेने के लिए भी रहेगा। जिस प्रकार आप जानते भाई, भामाशाह कार्ड से सरकारी या प्राइवेट बैंकों में 5 लाख रुपए तक का जो इलाज फ्री होता था, इसी प्रकार से इस जन आधार कार्ड से भी आप इलाज फ्री में करवा सकोगे किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में 5 लाख रुपए तक का। वहीं मोबाइल ऐप भी होगा लॉन्च। यानी कि भाइयों, जन आधार का मोबाइल ऐप भी लॉन्च करेगी सरकार, इससे भी नया पता लगाया जा सकेगा। जन आधार कार्ड में अप्रैल तक 75 योजनाएं जुड़ी जाएंगी। पंचायतों में राजीव केंद्रों पर ई मित्र और जन आधार योजना की सेवाएं चलाई जाएंगी। यानी कि भाई, जो भी सरकारी योजनाएं चलेंगी राजस्थान के अंदर, वो सारी की सारी योजनाएं जन आधार कार्ड से जुड़ जाएंगी और सारी योजनाओं में आप सिर्फ एक कार्ड लगाकर उनका लाभ ले सकोगे। वही बात आती है, आपको ये मिलेंगी सूचना। जी हाँ भाइयों, नंबर बदलने की सूचना SMS से दे दी जाएगी। व्यक्ति को अपना ई कार्ड डाउनलोड करना होगा। कार्ड की हार्ड कॉपी वितरित करने के लिए वितरण योजना अलग से बनाई जाएगी। कार्ड में परिवार के 2 जनों का आधार नंबर देना जरूरी होगा, या भामाशाह में पहले से अगर आधार नंबर जुड़े हुए हैं तो आपको कोई नंबर देने की जरूरत नहीं है। वहीं से सरकार डाटा उठा लेगी और उन नंबरों को प्रमाणित कर जोड़ देगी। इसके बाद ये आधार नंबर प्रमाणित किए जाएंगे। केंद्र सरकार की किसी योजना के लिए आधार नंबर जरूरी होगा। वहीं बात करते हैं भाई, जन आधार कार्ड योजना के लाभ क्या क्या है वो सुने। राशन कार्ड से मिलने वाली सुविधाओं का सारा लाभ अब आप जन आधार कार्ड से ले सकोगे। पेंशन कर्मियों का हर साल जीवित प्रमाण पत्र बनवाना पड़ता था, अब इस योजना के तहत यह प्रमाण पत्र हर साल नहीं बनवाना पड़ेगा। परिवार के प्रत्येक सदस्यों का नाम ऑटो ऐड हो जाएगा। यानी कि अगर आपका कोई नया मेंबर जुड़ता है तो वो ऑटोमेटिक जन आधार कार्ड में जुड़ जाएगा। बार बार नाम जुड़वाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जन आधार कार्ड एक परिवार की एक पहचान बनेगा। यानी कि सिर्फ आपको एक कार्ड बनवाना होगा जन आधार कार्ड, और डॉक्यूमेंट आपको बनवाने की जरूरत नहीं है। ई कॉमर्स और बीमा सुविधाओं का लाभ भी आपको इसी कार्ड से ही मिलेगा। जन आधार कार्ड की क्या है मुख्य बातें वो सुने। भामाशाह कार्ड की तरह यह कार्ड भी महिला के नाम से ही बनेगा। अगर किसी परिवार में महिला नहीं है तो पुरुष के नाम से जन आधार कार्ड बनाया जा सकेगा। इस कार्ड में परिवार के सभी सदस्यों को जोड़ा जाएगा। जन आधार कार्ड में आपको 10 अंक का पंजीयन नंबर दिया जाएगा। जिसका भामाशाह कार्ड पहले से बना हुआ है उसे जन आधार कार्ड बनवाने की जरूरत नहीं है। उस परिवार को मोबाइल नंबर पर SMS भेजकर या फोन करके 10 अंक का पंजीयन नंबर आपको बता दिया जाएगा। जिस परिवार का भामाशाह कार्ड नहीं बना हुआ है उसे ही सिर्फ नया कार्ड जन आधार कार्ड बनवाना होगा। यानी कि भाई, अगर आपको पहले से ही भामाशाह कार्ड बना हुआ है तो सभी के मोबाइल नंबर पर SMS के द्वारा जन आधार कार्ड का नंबर आ जाएगा। आपको करना क्या होगा कि सिर्फ ई मित्र पर जाकर अपना जन आधार कार्ड डाउनलोड करके अपने पास ले आना है, या फिर सरकार पंचायत में जो आपकी पंचायत समिति होती है वहां पर भी आपको जन आधार कार्ड भेज देगी। आप चाहे तो आप पंचायत समिति से जाके भी अपना जन आधार कार्ड ले सकते हो। तो भाई, मैं समझता हूँ जितने भी डाउट थे आपके मन में वो क्लियर हो गए होंगे जन आधार कार्ड के प्रति। अगर आपको वीडियो चाहिए तो वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें फेसबुक व्हाट्सएप सभी जगह, ताकि राजस्थान के हर नागरिक तक ये वीडियो पहुंचे और वो भी जन आधार कार्ड के बारे में जान सके, क्योंकि ये योजना 1 अप्रैल से पूरी तरीके से पूरे राज्य में लागू हो जाएगी। तो भाई, अगर आपको कोई भी कमेंट हो वीडियो में नीचे अपने नाम के साथ और पते के साथ
और अपने मोबाइल नंबर के साथ कमेंट कर दें, ताकि कोई भी समस्या का समाधान आपके मोबाइल नंबर पर कर दिया जाएगा। अगर आप कुछ सुनना चाहते हैं, नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबाकर हमारे साथ जुड़ सकते हैं, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाना, ताकि मैं कोई भी नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचेगा आपके पास। तो वीडियो आज कितना ही, जय हिंद जय भारत।